चैप्टर 12 मनी। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, डिवीजन ऑफ मनी, मल्टीप्लिकेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स। वार्म अप। इंडियन करेंसी कंटेन्स रुपीज एंड नोट्स। सो यू हैव लर्न इट इन योर प्रीवियस क्लास ऑल्सो ना, कि कौन कौन से रुपीज करेंसी जो है, हमारे जो नोट होते हैं, जो हमारे कॉइन्स हैं, सिक्के होते हैं, है ना? आप पता है ना आपको, आपने अपनी थर्ड क्लास में भी पढ़ा था, थर्ड क्लास की बुक में। फर्स्ट काउंट दी वैल्यू एंड राइट द करेक्ट अमाउंट। अब आपको ये जो अमाउंट लिखा है, आपको इनको काउंट करना है, टोटल बताना है कि कितने हैं। ओके तो फर्स्ट वाले में देखिए, 10 रुपीज़, 5 एंड 2 रुपीज़। 10 + 5 = 15, + 2 = 17। तो 17 रुपीज़ हो गए ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 17 रुपीज़। और ये जो नेक्स्ट वाला है ना, इसको भी आप प्लस कर लेंगे, कितने कितने रुपीज़ हैं ये, इनको आप प्लस कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। ओके एक 100 रुपीज़ का, एक 500 रुपीज़ का, तो 100 + 500 कितना होता है वो आप यहाँ लिख लेंगे। सेकेंड सॉल्व, अब 30 रुपीज़ 0.50 पैसा एंड 40 रुपीज़ 0 पैसा। तो अब आपको इनको टोटल करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम जब भी काउंटिंग करेंगे, जब रुपीज़ एंड पैसे में दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो हम पहले पैसे को ऐड करते हैं, क्योंकि अगर पैसे ज़्यादा हैं तो वो रुपीज़ में हम उनको कैरी ओवर करते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है पैसा, तब रुपीज़ का अमाउंट बढ़ सकता है अगर पैसा ज़्यादा हो तो। ओके तो पैसे हम पहले हम सबसे पहले पैसा को ऐड करते हैं यहाँ पे। तो 0 + 0 = 0, 5 + 0 = 5, तो 50 पैसा आ गया यहाँ पर। अब हम रुपीज़ को ऐड करते हैं, सो 0 + 4 = 4 एंड 3 + 1 = 4, तो 44.50 पैसा। ओके तो ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इस तरीके से आप ये वाले भी कर लेंगे, है ना? और इसके अलावा चलिए मैं ये सेकंड वाला करके बता देती हूँ, क्योंकि इसमें कैरी ओवर करना रहेगा हमें, है ना? तो देखिए 90 पैसा 0.50 पैसा एंड 4 रुपीज़ एंड 75 पैसा। अब इनको ऐड करना है, तो सबसे पहले हम पैसा वाला अमाउंट ऐड करते हैं। 0 + 5 = 5, 5 + 7 तो 7 8 9 10 11 12, तो 12 का 2 राइट साइड नंबर इसलिए नीचे साइड आ जाएगा और 1 कैरी ओवर हो जाएगा रुपये के ऊपर। ओके तो वहाँ पर चला गया रुपये के अमाउंट में वो। अब 1 + 4 हो जाएगा। ओके 0 + 4 = 4 ही हुआ, इसमें 1 जो कैरी ओवर हुआ है ना पैसे की तरफ से, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो 5 आ जाएगा। 9 + 0 = 9, तो 95 रुपीज़ एंड आ गया ना ये अमाउंट आपका 20 पैसा। ओके तो बिल्कुल इस तरीके से आप भी इसे कर लेंगे सॉल्व। आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट पेज, लेट्स स्टार्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि हमें अगर मनी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल 1, एड 4450 रुपीज़ टू 100 145 एंड 25 पैसा। ओके तो हमें इनको ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले इनको अच्छे से लिख लेंगे। जो रुपये वाला कॉलम है उसमें रुपये लिखेंगे और जो पैसे वाला कॉलम है उसमें एक पॉइंट लगाने के बाद हम पैसे वाला अमाउंट लिखते हैं। ओके हमने इनको देखो कॉलम ही लिखा है। ओके तो अब 50 + 25, क्योंकि पहले हम पैसे वाला अमाउंट ऐड करते हैं, तो हम पहले पैसे वाला ही करते हैं। 0 + 5 = 5, 5 + 2 = 7, तो 75 पैसा आ गया इसमें। अब हम रुपये वाला अमाउंट ऐड करते हैं, 0 + 5 = 5, 4 + 5 आ गया 9 एंड 4 + 1 आ गया 5, तो आ गया हमारा आंसर 595 रुपीज़ एंड 75 पैसे। ओके तो आंसर इज 595.75 पैसे। अब हमको माइनस करना है, मान लीजिए कोई रुपीज़ हैं, जैसे यहाँ पर दिया एग्जांपल 2 में देखिए, 152 रुपीज़ एंड 50 पैसा फ्रॉम 400। अब हमको 400 में से 150 रुपीज़ 50 पैसा माइनस करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इनको कॉलमली लिखेंगे। अब आप कहेंगे 400 में तो पैसे हैं ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो हम वहाँ पे पैसे वाले कॉलम में 00 लिखेंगे, है ना? 20 लिख देंगे, इसका मतलब वो पैसे वाले कॉलम में 00 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे, तो अब हम पैसे में से पैसे माइनस करेंगे, तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो 1 हम बोरो कर लेंगे यहाँ 4 से। ओके 400 वाले कॉलम से 1 हम बोरो कर लेंगे, तो 0 become 10, 10 - 5 = 5, तो 50 पैसा अमाउंट यहाँ आ गया। अब हमने 1 बोरो किया था, तो ये जो लास्ट वाला 0 था इसका 400 का, इट बिकम 9, 9 बन जाएगा ना ये, क्योंकि 1 बोरो किया था, तो 9 - 2 = 7 एंड इसके बगल वाला भी अमाउंट माइनस करेंगे, 9 - 5 = 4, तो 4 आ गया। अब आ गया 4 का, हमने 1 बोरो किया था, तो 4 become 3 ना, 3 बन गया अभी ये, तो 3 - 1 = 2, सो हमारा आंसर आया है 247 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ओके
तो ये पूरा इस तरीके से आए, इसको बिल्कुल जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कॉलमली लिखना है, और उसको बिल्कुल पहले पैसे वाला कॉलम अगर ऐड वाला है तो भी आप पहले उसको पैसे वाले कॉलम को ऐड करेंगे, अगर माइनस करने का है तो भी आप पहले पैसे वाला अमाउंट ही माइनस करेंगे, ओके, फिर उसके बाद आप रुपए वाले कॉलम में आएंगे। बिल्कुल इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज 12.1 कर लेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे।